उत्पत्ति अध्याय 46। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए आने के लिए भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े और वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए उनके नाम ये है। याकूब का जेठा तो रुबेन था और रुबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्त्रोन और कर्मी थे और शिमोन के पुत्र यमुएल, यामिन, ओहद, याकिन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाउल भी था और लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी थे और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जिरह नाम पुत्र हुए, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे और पेरेस के पुत्र हेस्त्रोन और हमुएल थे और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे और जुबलून के पुत्र सेरेद, एलोन, यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पदनराम में उत्पन्न हुए थे उनके बेटे पोते यही थे और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहां तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हागी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे और आशेर के पुत्र इम्ना, इश्वा, इस्वी और बरिया थे और उनकी बहन सेरह थी और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकियल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था उसके बेटे पोते आदि यही थे। सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बन्यामीन थे और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनश्शे और एप्रेम और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अश्पेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पिम, हुप्पिम और आर्द थे और राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए उनके ये ही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशिम था और नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और शिल्लेम थे। बिल्ला जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया उसके बेटे पोते यही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए सो सब मिलकर 70 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर
अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुझको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं।